हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल सिंपल मेकअप लुक जो कि गर्ल्स के लिए बेस्ट रहेगा। वेडिंग सीजन चल रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो इस आईब्रो में मैं बता दूँ कि पॉइंट वाली आईब्रो कैसे बनानी चाहिए और आईब्रो फिल करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका क्या है। तो आपको इस तरीके से पहले अपनी आईब्रो को पॉइंट का शेप दे देना है इस तरीके से, एंड नीचे से आपको बिल्कुल परफेक्ट बराबर रखना है। पूरी आईब्रोज को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ। ऐसे अगर आप आईब्रो फिल करते हो तो बिल्कुल परफेक्ट आती है, बिल्कुल भी आईब्रो की गैपिंग भी अलग अलग नहीं दिखती है, एंड जो आईब्रो का शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट आता है, ऊपर नीचे बिल्कुल हर जगह से बराबर में आएगा। उसके बाद हम लोग इस तरीके से इसको फिल करेंगे आईब्रो फिलिंग ब्रश से। तो पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे आपको करना है। इसी तरीके की मेकअप से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए रात को 9 से 11 बजे के बीच में लाइव आती हूँ और वहाँ पे मैं आपको मेकअप से रिलेटेड वीडियोज़ बताते रहती हूँ। वो इस तरीके से आईब्रो को मैंने एक साइड से फिल कर लिया है और पॉइंट भी काफ़ी अच्छी बन गई है। और जो भी दिक्कत आएगी भी देखते रहिए वीडियो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मेरा हेयर का ग्रोथ नहीं है और पॉइंट हमारी जो थी वो नहीं अच्छे से नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आईब्रो पेंसिल की मदद से इसको अच्छे से फील कर लिया है। एंड अच्छे से फील करने के बाद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से आईब्रो बनाने के बाद से। ओके, तो कस्टमर की आईब्रो का शेप कैसा भी हो, आपको आप मेकअप कर रहे हो तो उनको परफेक्ट शेप देना आपका काम है और उनको जैसा चाहिए वैसा लुक देना। और बीच से हम लोग इस तरीके से जो हमने पेंसिल लगाई हुई थी आईब्रो पेंसिल उसको रिमूव कर देंगे कॉटन या फिर किसी भी टॉवल की मदद से। मैंने यहाँ पे हाथों से इस तरीके से कर लिया तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरी आईब्रो जो है वो फील हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है दोनों साइड से। आपको जिस तरीके से चौड़ा पतला रखना है वो आपकी चॉइस है। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से फील किया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आईब्रो को और भी खूबसूरत दिखाने के लिए और मेकअप स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे कंसीलर। तो ये एलिगेंस का प्रो कंसीलर है, इसे आईब्रोज़ के जस्ट नीचे ऊपर अच्छे से इसको लगाएंगे एंड ब्लेंड करेंगे। आई मेकअप करते टाइम आपको इसी तरीके से करना है। सबसे पहले अगर आप बिगिनर्स हो, आई मेकअप सीख रहे हो, तो सबसे पहले अगर आप पार्टी वगैरह के लिए मेकअप करें तो अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लीजिए। आई मेकअप कंप्लीट करने से क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट हमारे फेस पर गिरता है जैसे ग्लिटर, सीमर, आई शेडो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, मस्कारा, आई लाइनर, अक्सर हम लोग को लगाते टाइम दिक्कत हो जाती है। तो आप पहले आई मेकअप कर लोगे तो क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट आपके फेस पे गिरेगा उसको आप इजीली रिमूव करके अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाद में आई मेकअप करते हो तो प्रोडक्ट एक फेस पे गिरता है तो हमारा जो बेस होता है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी आप मेकअप करते हो तो पहले अपना आई मेकअप कम्प्लीट कर लो, उसके बाद अपना बाकी का मेकअप कीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से लगाने से जो हमारे आईब्रो का लुक है और भी ज़्यादा खूबसूरत आ गया है। ओके, तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद से हम लोग उसको पहले सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। बार बार कॉल आ जा रहा था तो सबको मैं बोल रही थी कि मैं लाइव हूँ तो बाद में कीजिएगा प्लीज़, तो बोले ओके। तो इस तरीके से मैंने आईब्रो को अच्छे से फील कर लिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो आईब्रो कैसे फील करना चाहिए ये सारी चीज़ें। तो इसको पूरा अच्छे से सेट कर लिया मैंने। सेट करने के बाद से हम लोग यहाँ पे अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैंने लिया है लाइट पिंक कलर का शेड, क्योंकि गर्ल्स के लिए बता रही हूँ बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए तो आप ये कर सकते हो, काफ़ी अच्छा दिखेगा और लगेगा कि आपने पार्लर में करवा के आया। बहुत इजी वे में आप खुद से अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। तो क्रीज एरिया पे मैंने इस तरीके से लाइट पिंक कलर का शेड आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक अप्लाई किया था इसी तरीके से ब्लेंड करते हुए। उसके बाद मैंने डार्क पिंक कलर लिया और अगेन आउटर कॉर्नर पर इस तरीके से अप्लाई किया। कोई कट क्रीज नहीं देना है, बहुत प्यारा सा लुक आएगा तो एंड तक वॉच कीजिएगा। तो इस तरीके से गोल्डन कलर का शेड लेके मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर लिया था।
लो वाटर लाइन पे भी डार्क पिंक कलर का शेड लिया था एंड इस तरीके से अप्लाई कर लिया था। जो भी आप आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करें वो कलर लो वाटर लाइन पे आईज के अप्लाई करना ज़रूरी होता है, उससे आपका जो आई मेकअप होता है वो प्रोफेशनल दिखता है, अच्छा दिखता है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने कर लिया था। उसके बाद से मैंने लिया था ग्लिटर, ग्लिटर भी लाइट पिंक कलर दिया और इस तरीके से अप्लाई कर दिया। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा आई मेकअप हमारे यहाँ पे बन गया है। और ये जो ग्लिटर पैलेट है सिर्फ ब्यूटी का है, लो आउटर लाइन पे सॉरी आईब्रो के जस्ट आउटर कॉर्नर सॉरी आईब्रो के नीचे हम लोग यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करेंगे, आईज के इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे एंड आईलाइनर अप्लाई करेंगे। आईलाइनर को इस तरीके से इनर कॉर्नर से मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन अगर आप सीख रहे हो आपको लाइनर लगाने में दिक्कत आती है तो हमेशा आप सेंटर से लाइनर लगाना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपने अगर डायरेक्ट इनर कॉर्नर से किया तो हो सकता है कि बिगड़ जाए। और इस तरीके से मैंने अपना विंग्स बना लिया है और लाइनर अप्लाई कर लिया है। इनर कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से लेके जाएंगे एंड लो वाटर लाइन से मिला देंगे आईलाइनर को। ओके, लाइनर को पूरा लो वाटर लाइन पे लगाना चाहिए, इससे क्या होता है कि आपका जो काजल होता है वो फैलता नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फैल गया था तो उसको कैसे ठीक करना वो मैं बताऊँगी, वीडियो एंड तक वॉच करिएगा। देखिए लो वाटर लाइन से इस तरीके से लाइनर को लेके गई और डबल विंग्स मैंने यहाँ पे बना लिया। आप चाहो तो सिंगल विंग्स भी बना के छोड़ सकते हो। ओके, इसी तरीके से दूसरी आइज पे अप्लाई करेंगे। तो दूसरी आइज पे अप्लाई करते टाइम एक मिस्टेक हो गई थी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आप उसको ठीक कर कैसे करोगे वो बता रही हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है, देखिए मेरी आईज में पूरा लाइनर जा चुका है एंड कस्टमर के साथ भी ऐसा हो जाता है, तो हम लोग को बेस अगर रेडी है तो डर लगता है कि अब मेकअप पूरा ख़राब। लेकिन आपको क्या करना है, कोई कॉटन का कपड़ा लेके आईज के इनर कॉर्नर पे इस तरीके से रखना जैसे मैं रख रही हूँ, और सारा जो भी एक्स्ट्रा वाटर है या फिर लाइनर है वो इस कपड़े में आ जाएगा और आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और कस्टमर को भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपकी आँखों में अगर कुछ चला जाए लाइनर वगैरह मस्करा तो आप इस तरीके से, या फिर आंसू आ रहा है दुल्हन को तो आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हो। अभी देखिए इस वाले आईज में बिल्कुल परफेक्ट बना था, ऐसे ही बनाना है। और लो वाटर लाइन पे फिर से लाइनर अप्लाई करेंगे एंड डबल विंग्स बनाएंगे और व्हाइट काजल अप्लाई कीजिएगा। व्हाइट काजल बहुत प्यारा लगता है। अगर आपकी आईज बहुत ज़्यादा बड़ी है तब तो आप ब्लैक लगाइएगा, लेकिन आपकी आईज अगर छोटी है या फिर मीडियम है तो व्हाइट काजल अप्लाई कीजिएगा, आपकी आईज का लुक जो होता है काफ़ी अच्छा होता है। और एक और बात, अगर आपके पास व्हाइट काजल नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको लेना आई शेडो पैलेट में से सिल्वर कलर का आई शेडो एंड इस तरीके से अपनी डबल विंग्स के बीच में एंड इनर कॉर्नर पे एंड काजल की जगह पे इस तरीके से अप्लाई कर लोगे। ये बिल्कुल व्हाइट काजल का लुक देता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और आपका मेकअप भी बहुत अच्छा दिखता है इससे। तो इस तरीके से मेरे पास व्हाइट काजल था लेकिन मुझे आपको बताना था तो मैंने इस तरीके से अप्लाई करके बताया है। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये ट्रिक। दूसरी साइड भी डबल विंग्स के नीचे मैंने इस तरीके से सिल्वर कलर का आई शेडो लिया था एंड अप्लाई कर लिया था। लो वाटर लाइन पे भी इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे एंड अगर आपकी लाइनर पे सिल्वर कलर का लग जाए शेडो आई शेडो तो आपको लाइनर को दोबारा से इस तरीके से अप्लाई कर लेना, क्योंकि लाइनर बिल्कुल ब्लैक अच्छी लगती है। तो ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप जो है वो डन है। हम लोग मस्कारा लगाए सॉरी मस्कारा लगाएंगे, आई लेसेज नहीं लगाना है मुझे। तो अगर आपके आई लेसेज बहुत कम है तो आप क्या करोगे, ये ट्रिक फॉलो कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको लेना है कंसीलर और इस तरीके से अपनी आई लेसेज पे अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी आई लेसेज नेचुरली हैवी दिखेंगी। तो इस तरीके से दोनों आईज पे कंसीलर को अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको ड्राई कर देंगे, उसके बाद से आप मस्कारा अप्लाई कीजिए तो आपको दिखने को मिलेगा कि बहुत अच्छा हैवी लुक दिख रहा है आपके आई लेसेस का। ओके, तो इस तरीके से हमने अप्लाई कर लिया है। मस्कारा अप्लाई कर लिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा और हैवी लुक दिख रहा है यहाँ पे आई लेसेस का। और विदाउट आर्टिफिशियल आई लेसेस के आप अपने ओरिजिनल आई लेसेस को इस तरीके से कर सकते हो और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है। और इस तरीके से आपके फेस पे भी अगर लग जाए लाइनर मस्करा तो आपको तुरंत रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने मेकअप बेस रेडी कर रखा है तो। नहीं किया है तब तो कोई बात नहीं, आप रिमूव करके अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मेकअप बेस रेडी कर दिया और आई लाइनर आपके फेस पे गिर जाए तो आपको वेट करना है एंड आईब्रो फिलिंग वाला जो ब्रश होता है उससे रिमूव कर सकते हो, या मस्करा ब्रश जो होता है उससे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे
मेकअप नहीं करना है फेस पे, मैंने सिर्फ कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था, ये VLCC का HD कॉम्पैक्ट पाउडर है, जिससे बहुत अच्छी लुक आ जाती है, कवरेज आ जाता है। तो आपको अगर आपका फेस क्लीन है तो आप नॉर्मली कॉम्पैक्ट पाउडर, ये फेस पाउडर लगा के अपने मेकअप को डन कर सकते हो। तो मैंने इस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया था। इसके बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर, ब्लशर, लिपस्टिक लगा के अपने मेकअप को डन करूँगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है। देन अब मैं लिपस्टिक लगा रही, लिपस्टिक में लगा रही हूँ लाइट पिंक कलर, इस तरीके से। लिपस्टिक के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज हैं चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी हेल्पफुल जानकारियाँ मिल जाएंगी आपको लिपस्टिक के ऊपर। लिपस्टिक लगाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, चौड़ी चौड़ी मोटी लिप्स पे कैसे लिपस्टिक लगाना चाहिए, पतली होठों पे कैसे लगाना चाहिए, या फिर अगर आपका लिप्स का शेप सही नहीं है तो उसको कैसे शेप कर सही करना चाहिए। तो उसके बाद मैंने लगाया था यहाँ पे ब्लशर, थोड़ा सा नोज़ पे एंड थोड़ा सा ठोड़ी पे, इस तरीके से। एंड उसके बाद मैंने लगाया था स्विस ब्यूटी का हाईलाइटर, जो कि मेरा बहुत लॉन्ग टाइम से फेवरेट है। हाईलाइटर ब्रश नहीं है तो आप अपने कॉम्पैक्ट पाउडर वाले ब्रश को ही इस तरीके से पकड़ के और अपना हाईलाइटर कंप्लीट कर सकते हो। तो कैसा लग रहा है आपको लुक, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो चुका था, ये था मेरा फाइनल लुक। उस आप चाहो तो आईलेसेस लगा सकते हो, आईलेसेस लगाने के बाद आपका जो लुक आएगा वो कैसा आएगा वो भी बता देती हूँ। और बहुत प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल भी किए थे मैंने इस मेकअप के साथ। इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देख लीजिएगा, इंस्टा आईडी है प्रीति तिवारी 24। एंड सेकंड चैनल पे सिलाई से रिलेटेड वीडियोज डालते रहती हूँ, तो वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और सिलाई में कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ सकते हो। तो इस तरीके से मैंने अपना मेकअप डन कर लिया था, और आईलेसेस लगाने के बाद जो लुक आएगा वो कैसा आएगा वो बता देती हूँ मैं। तो वो कुछ इस तरीके का हाय आएगा फ्रेंड्स, आईलेसेस ये लगाने के सिंपल बाद का इजी वे लुक। में ये मेकअप आप कर ये मैंने सकते हो। इंस्टाग्राम ये पे आई अपलोड मेकअप किया था तो कैसे मैंने किया, आप लोगों मैंने के साथ ये थोड़ी शेयर देर कर वीडियो, दिया। अभी मैं लाइव थी रात को, डेली 9 से 11 बजे के बीच में अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आती हूँ, और इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज आप लोग के लिए बताती हूँ लाइव में करके। कोई फिल्टर नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, A to Z चीज़ें आप मेरे से लाइव में सीख सकते हो। मेकअप से रिलेटेड, आईब्रोज फील करने के लिए पॉइंट वाली आईब्रोज कैसे फील करनी चाहिए, सारी चीज़ें पूरी डिटेल में बताई हुई है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेकअप मेरा। तो अगर गर्ल्स हो, आपको मेकअप करना नहीं आता है और आप कुछ डिफरेंट सा अच्छा सा लुक चाहते हो, तो इस तरीके से आप मेकअप कर सकते हो बहुत ही इजी वे में, स्टेप बाय स्टेप पूरी बारीकी के साथ। डेली 9 से 11 बजे के बीच मैं लाइव आती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रीत तिवारी पे। और ये आईलेसेस जो दिख रही हैं ये बिल्कुल भी फेक नहीं है, ओरिजिनल आईलेसेस को कैसे आप हैवी दिखा सकते हो वो भी टिप्स बताया हुआ है उसी लाइव में। 9 से 11 बजे के बीच लगाती हूँ, तो जाके देख लीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।